अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। इमरान खान का बड़ापन फवाद चौधरी के थप्पड़ के वाक़े पर समी इब्राहिम को टेलीफोन कर दिया। मैं ये काम हरगिज़ नहीं होने दूंगा, बड़ी यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और समी इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI किसी ऐसे फील की हौसला अफजाई नहीं करती जिसमें किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो। इमरान खान का फवाद चौधरी की जानब से समी इब्राहिम को थप्पड़ मारे जाने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान और मारूफ सहाफ़ी समी इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद में समी इब्राहिम के साथ पेश आने वाले वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी ऐसी इनफरादी फेल की हौसला अफजाई नहीं करती जिसमें दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो। हुकूमत और मीडिया जमहूरी अमल के दो लाजम मलजूम जुज़ हैं। नुक्ता नज़र के इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ की हद तक लेकर जाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी की जानब से साफ़ी समी इब्राहिम को थप्पड़ मारने के वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया था। सीनियर साफ़ी शाद मसूद ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि फवाद चौधरी ने एक शादी की तकरीब में साफ़ी समी इब्राहिम को थप्पड़ मार दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।